प्रशांत, पूर्व सैनिक जो धीरेन चौहान है वो भाजपा के साथ साथ ही कांग्रेस की भी नींद उड़ा रहे हैं। देखिए, अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सैनिक है वो काफी संख्या में देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे में जो वहां की जनता है उन पर एक कहीं ना कहीं विश्वास जताती है, तो इसका असर दिखाई देता है, क्योंकि सीधी टक्कर तो हमें भाजपा और कांग्रेस में ही नजर आ रही है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब धीरेन चौहान मैदान में आएंगे तो इसका असर कितना होगा? नहीं, धीरेन चौहान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी नगर निगम के जब चुनाव हुए थे उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ से चुनाव लड़वाया था, तो तब सुरेंद्र सिंह नेगी की धर्मपत्नी के साथ उनकी सीधी टक्कर हुई थी, हालांकि 1500 वोटों से धीरेन चौहान हार गए थे और अब उन्होंने फिर से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का मन बनाया था, क्योंकि उस पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी थी और अब की बार वाले चुनाव में भी टिकट ना देने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया था। सुरेंद्र सिंह नेगी पर जनता कितना विश्वास जता रही है? देखिए, सुरेंद्र सिंह नेगी के लिए जनता का प्यार तो काफी है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे वो दो बार के तीन बार के विधायक रह चुके हैं, पेयजल मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं वो, पर कहीं ना कहीं आम जनता ये भी कहती है कि वो जीतने के बाद उनके अंदर एटीट्यूड बहुत आ जाता है, एम स्टार करके वो सबसे बात करने लग जाते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा चलिए आप मेरे साथ बने रहिए प्रशांत, आपका मैं रुक करूंगी। धर्मेंद्र लालकुआ से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र लालकुआ की अगर मैं बात करूं तो ये एक हॉट सीट है और यहां पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम हरीश रावत के आने से मुकाबला बेहद रोचक है, तो सभी की निगाहें सीट पर टिकी हुई है। भाजपा से डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट इस सीट पर चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर या फिर एक तरफा मुकाबला? ये मुकाबला यहाँ पर चतुर्थ कोणीय दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा से बागी पवन चौहान जी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पे है, वहीं जो पूर्व सीएम हरीश रावत यहाँ पर आए मैदान पे। मैम, एक तरफ भाजपा से बागी नेता पवन चौहान निर्दलीय उम्मीदवार मैदान पे है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस आधार पे संध्या मैम संध्या डालाकोटी मैदान पे थी, लेकिन उनका टिकट काटकर पूर्व सीएम हरीश रावत को टिकट दिया गया आला कमान द्वारा, वो मैदान पे है जहां पर संध्या डालाकोटी ने भी जो है निर्दलीय ताल ठोकी है, तो ये मुकाबला कहीं ना कहीं चतुर्थकोणी देखा जा रहा है।